जब तक व्यू नहीं आएगा तब तक अल्फा और खबीसी दोनों अपने घर आ जाएंगे। गाइस अभी खबीसी को लेकर आ गया भाई, अल्फा की ग्रिप देख लो। सो गाइस वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग, और आप देख रहे हैं सीएचएफ के व्लॉग। आज मैं व्लॉग कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, इधर अपनी कॉकटेल है, इधर अपनी बजरी है, उधर अपनी बंगाली फिंच है। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट करे थे, एक बार ये कह रहे थे कि भाई बजीज मेल है या फीमेल है ये कंफर्म कर लो। दिल्ली मार्केट से लेके आया तब मेरे को उन्होंने बताया कि वो फीमेल है, तो मैंने वो लाके यहां पर रखी थी। बट भाई अब भी अंडे नहीं दिए इन्होंने, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई क्या बात है। ना ही ये अंडे दे रहे हैं और ना ही अब ये अंडे दे रहे हैं। स्टार्टिंग में मैं नहीं लेके आया तब तो इन्होंने अंडे दिए थे, लेकिन अब नहीं दे रहे। और अभी इन्हें दाना भी रखता हूँ। तीनों खतरनाक ऊपर खड़े हुए हैं, लेकिन अभी पीकू की नजर नहीं पड़ी, पड़गी भाई साहब। भाई ये गलत, ऊपर से रोकने भोंकने स्टार्ट कर दिया और नीचे से पीकू को भी गुस्सा आ गया। इधर देख लो भाई, पीकू से मिलने के लिए मटरू आ गया। पीकू के साथ देख लो भाई कितनी पक्की दोस्ती है इसकी। पीकू का साइज और इसका साइज देख लो भाई कितना ज्यादा है। पीकू इसके सामने कितना बड़ा लग रहा होगा तुम्हें। बट जब भी पीकू के लूसी के पर भी किसी के भी चीजड़ी या पिस्सू हो ना, वो सिर्फ मटरू करे। अब भी मटरू अपने कान में गुजारा, जरूर पिस्सू लेकर आया होगा। ये घर पे किस टाइम आवे बताऊं तुम्हें, जब गली का लालू वो अगर इधर उधर चला जाए तब आवे। ये ऊपर से बर्फी भोंक रही कि ये कौन आ गया। ओए पीछे ओले गिर जाएगी। इनके गोदाम में एंट्री करते हैं और इनका गोदाम दिखाता हूँ भाई तुम्हें, कैसे हाल कर रखा है इन्होंने। अपने गोदाम का क्या हाल कर दिया, पहले एक गमला तोड़ा था अब दूसरा गमला भी तोड़ दिया। अबे ये तो च्यवनप्राश भी खा रहे यार। अबे सोच भाई च्यवनप्राश है इसके अंदर, तो कुत्ते खा रहे च्यवनप्राश। और बारानी कुछ डायलॉग हो रहा है, वो अगर पता हो किसी को लिख दो नीचे कमेंट में। ये देख लो भाई च्यवनप्राश खा रहे अपने कुत्ते। बट भाई मेरे को ये नहीं पता है च्यवनप्राश आया कहाँ से। भाई जैसा ना हो भाई किसी ने फेंक दियो इधर, और अगर डॉग खा लेते कुछ हो जाता। सेंटा क्लॉज की पजामी तो पहनी नहीं थी, बट इन पजामियों का ये हाल कर दिया, फाड़ दी भाई ग्रिप लगा लगा के। अब भी रोकी का मन कर रहा है इस पे ग्रिप लगाने का। ओ भाई रोकी, ओ रोकी तेरे ग्रिप का सिस्टम कर दूंगा मैं। मेरे को रोकी की ग्रिप का सिस्टम करना पड़ेगा भाई, वरना रोकी का ना बहुत मन करा है ग्रिप लगाने का, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज भी हो जाए। जब इनका मन भी नीचे नहीं लगता भाई, ये भी तुरंत आ जाए भाग के ऊपर। भाई तुम लोगों ने यहाँ कर क्या रखा। अबे ओए रोकी तू कहाँ जा रहा, दरवाजा बंद कर दो। यहाँ क्या कर रखा तुमने, हाल देखे क्या हो रहा, गंदगी फैला रखी। गाइस लेडीज होने के बावजूद भी अबे धमकारी। अपने गैंग का भाई आए हुए मिलने के लिए, और भाई ये पता कितनी दूर से आ रहा मिलने के लिए। कहाँ से आ रहा भाई, बिहार से। क्या बोला तूने, बिहार से। भाई साहब बिहार से आ रहा, तो हमारे यहाँ से 1300-1400 किलोमीटर दूर तो होगा, कितना होगा। लेकिन भाई आज व्यू से मिलना था भाई को, लेकिन व्यू चला गया अपने मामा के घर। 36 का आंकड़ा है, पीकू का आंकड़े का सबको बताया कि इसका और रोकी का 36 का आंकड़ा है। रोकी आ गया भाई। अबे ये तो इतनी दूर से आया मिलने के लिए, लाड कर रहा, डरे मत। ओए ज्यादा मत डराओ इसे, ओए रुक जाओ, रोकी रुक जा, बस बस रोकी नहीं यार। भाई आ रहा दूर से आ रहा मिलने के लिए। भाई इसकी छाती पे पैर रख दिए थे यार। नो हाँ मेरे लाड कर रहा है, ठीक है। अजय भी भाई का मन हो रहा था कि सबसे मिलवा दो। अल्फा भी आ गया साथ में, खबीसी भी आ गई। एक खबीसी दूर हो ले तू, भाई दूर रख थोड़ा सा, वरना गड़बड़ हो जाओगी। अभी भाई थोड़ा बाहर को लेके चलते हैं। पीकू भी आ गया, पीकू को खुला ले चलेंगे, और इन्हें सबको बांध के ले जाना पड़ेगा, तुम्हें पता ही है। भाई ये देख लो कैसे मिल रहे एक दूसरे से। अल्फा और पीकू भाई बिल्कुल सगे भाई है। गाइस ना तो खबीसी किसी की बहन है, ना किसी की दोस्त है, ना किसी की सहेली है, ये तो हर किसी की दुश्मन है। पीकू के साथ भी दुश्मनी मोल लेना चाह रही, बट ये पता नहीं अगर पीकू को गुस्सा आ गया तो पूरी को एक बुड़के में चबा जाएगा। बात तो सही है यार। भाई से अल्फा की पावर टेस्ट करवाएंगे, देखते हैं भाई अल्फा को ये रोक पाएगा क्या। भाई अभी इतनी ज्यादा पावर लगाता है भाई, आने वाले टाइम में क्या पता भाई अल्फा रोकी से भी ज्यादा पावर लगा लगे। ऐसे मत करे बाबू, अटैक कर देगा घूम के। बहुत दम है इसके अंदर। अभी तो भाई इसने अल्फा की ताकत देखी है, अगर इसे रोकी से मिलवा देना तब दे रहा हूँ भाई वो कितनी पावर लगाओगा। लेकिन रोकी से मैंने इसे घर ही मिलवा दिया भाई, घर से लेकर आया अल्फा को भाई, और अल्फा ने भाई ये देख लो क्या हाल कर दिया। जब भी आगे रेस्टोरेंट पे भाई का मन हो रहा था खट्टा मीठा खाने का, जब इसे भाई को टाटा बाय बाय करते हैं, रेल में बिठा दिया। ठीक है भाई, पिकू डांस डांस पिकू डांस। गाइज कभी कभी पीकू भाई फ्री में डांस सिखा। जैसे कि हमने 75 डे चैलेंज करा हुआ था, उस चैलेंज में हमने बोला था कि भाई जो कोई हमारी वीडियो 75 दिन तक लगातार देखेगा उसके लिए भाई कुछ स्पेशल होने वाला है। गाइज अभी मैं बता दूं, उसके लिए गिव अवे होने वाला था। गिव अवे भी क्या होने वाला है गाइज आप लोगों को बता दूं भाई, गिव अवे में मिलने वाला है पीकू का बच्चा। गाइज अगर किसी को अपनी फैमिली के लिए डॉग लेना है, मतलब फैमिली में रहे जैसे पीकू रहता है भाई हमारे साथ, ब्लड जो है इसका ऐसे नहीं है, पागल है, दिमाग सन की है, आउट ऑफ बुद्धि है कि किसी को भी काट लेगा पाड़ लेगा भाई। तुम कहोगे अटैक करेगा, तुम कहोगे सुनेगा समझेगा बात मानेगा। गिव अवे में मैं एक पीकू का पप्पी आप लोगों को देने वाला हूँ। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 10 क्वेश्चनों में से जो कोई 10 के 10 का आंसर दे देगा वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, नीचे लिंक मिल जाएगा, और वहाँ 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो कोई बिल्कुल राइट 10 क्वेश्चन के आंसर दे देगा उसको मिलने वाला है पीकू का पप्पी। अभी पीकू और रोकी दोनों को ले जाने वाले हैं, और ये देखने वाले हैं जब इनके अंदर दुश्मनी आई गई तो इनको एक दूसरे के साथ ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों को पकड़ के रखना पड़ेगा। देखते हैं भाई आज कितना ज्यादा एग्रेशन होगा इनके अंदर। पहले रोकी को लेके जाएंगे, पीकू को
केज के अंदर बंद करेंगे और तब देखना भाई। 7-8 दिन पहले वीडियो के लास्ट में क्लिप डली हुई थी, सबने देख लिया था कि भाई इन दोनों के बीच में कितना तगड़े वाला एग्रेशन है। तो गाइस आज भी भाई तुम्हें दिखने वाला है, लेकिन हम इन्हें बाहर भी ले जाएंगे और मजबूत मजबूत पट्टों में पकड़ के रखेंगे, क्योंकि भाई ये छोटे से नहीं है, इनको ना भाई मजबूत ही पकड़ना पड़ेगा, मजबूत बांधना पड़ेगा, तब जाके भाई इनका एग्रेशन भी चेक हो सकता है। आज रोकी गुपी को दोनों को ले चला है, दोनों का एग्रेशन चेक करेंगे। हम लड़ाई नहीं करवाने के, हम कोशिश भी करेंगे कि इनकी दोस्ती हो जाए, बट भाई तुम्हें लगता है दोस्ती हो जाएगी? पीकू गया अंदर। गाइस ऐसी बात नहीं थी कि पीकू के साथ रोकी की पुरानी दुश्मनी है, गाइस ये नई दुश्मनी हुई थी जब हमारे पास पीकू, अल्फा और कल्लो तीनों डॉग्स थे। तीनों डॉग एक साथ घूमने जाए थे, तो रोकी भी घूमने आया करे था, लेकिन एक बार क्या हुआ था भाई, रोकी और पीकू का पंगा हो गया था, लेकिन उस पंगे में कल्लो और अल्फा दोनों ने मिलकर एक ने इधर साइड में लोग लगा लिया था, एक ने इधर साइड में लोग लगा लिया था, और फिर पीकू ने भी भाई मतलब हमला हो गया था तगड़े वाला, रोकी का सारा मुंह वगैरह फट गया था। उसके बाद भाई पीकू और रोकी दोनों की दुश्मनी आपस में बन चुकी है। आज बस अकेले रोकी को ऊपर से लाएंगे, अगर लूसी साथ में आवे ना वो भाई पता भी नहीं करने देती कि किसके साथ किसकी लड़ाई हुई, और वो ना भाई किसी की साइड भी हो जावे, जो भी उसे ये दिखे ना कि शक्तिशाली सा है वो उसी की साइड हो जावे। आगे सामने से रोकी भाई, अब देखना भाई क्या होने वाला है, पहले कौन करेगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला। इधर से पीकू है, ये देखते पता लग जाएगा तुम्हें के बीच में दुश्मनी तो दुश्मनी भाई, इतनी तगड़ी दुश्मनी होगी कि ये ना भाई एक दूसरे के दोस्त कभी भी नहीं बन सकते। पहले ना पीकू ने एग्रेशन करा, रोकी ने एग्रेशन बाद में करा, अभी भाई पीकू को भी लेके आते हैं ना भाई, इसीलिए इतने मजबूत मजबूत पट्टे बनवा रखे इनके, चाहे कितनी भी ताकत लगा ले भाई टूटने वाले नहीं है। अब पीकू रुक जा, रुक जा, पीकू रुक जा, भाई रुक जा, भाई पीकू तो उसके पीछे भाग पड़ा, रुक रुक रुक, पीकू सुन 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 सुन, वो मैंने पहले ही मजबूत पकड़ लिया। अब भाई पीकू उसके पास ही जा रहा, देखते हैं गाइस क्या होगा। पहले पीकू ने जाके एग्रेशन नहीं करा, पहले रोकी ने करा, और रोकी अब भी पागल हो रहा, पीछे से भौंक रहा, के पास कोई नहीं है, अब भी एग्रेशन कर रहा, पीकू मूवमेंट डाल के लाया और रोकी एग्रेशन कर रहा, बट भाई पीकू को देख लो कैसे मूवमेंट डाल ले रहा। कैडा सीन हो जाता भाई, मेरे को लगा कि पट्टा खुलने वाला है, बट भाई इसने पहले ही दिमाग का काम कर रखा, पट्टे को ना ऐसे ऐसा करके ये देख लो भाई, मैंने भी पीकू को कैसे पकड़ रखा था, ऐसा करके डाल के घाल रखा ताकि बिल्कुल भी ना खुल सके। पीकू भी भाई हटने वाला नहीं है, अगर लड़ाई हुई ना फिर मार हो जाएगी इनके बीच में। भाई रोकी तो अब भी नहीं रुक रहा, भोंकते भोंकते यार पीकू ना समझदार है इस मामले में, ये नहीं भाई फालतू में एनर्जी वेस्ट करता, तू भोंक रहा भोंक ले, अगर लड़ता तो सीधा आ जा। गाइस आज अल्फा और खबीसी दोनों अपने घर आ जाएंगे, शाम के टाइम अपने घर रहेंगे, रात को भी जब तक व्यू नहीं आएगा तब तक अल्फा और खबीसी दोनों अपने घर आ जाएंगे। पीकू का जबड़ा मजबूत है, पिटबुल का भी बहुत मजबूत हो, नहीं इस पर रोटव्हीलर का ज्यादा होता है। भाई तुम कमेंट करके बताओ भाई, रोटव्हीलर का जबड़ा ज्यादा मजबूत हो या फिर पिटबुल का ज्यादा मजबूत हो। रोकी जा लिया भाई जी, भाई आए हुए भाई मिलने के लिए रोकी से, भाई रोकी को तो भेज दिया, अगर पीकू के सामने रोकी आ गया तो मैं पता भाई क्या होगा, वैसे भी अब मैंने पीकू भी खुला छोड़ दिया। भूमिका वो होते जाए, इसकी तो वहां लोगों आवाज आ रही है, वहां तो बात तो आया, फिर मैं पीकू पे तो इतना भरोसा है भाई, पीकू को तो कोई हाथ लगा लो कुछ भी कह लो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो दे देगा ईंट, किसी और को तो देने वाला नहीं। पीकू मैं दे दे ईंट, मैं लेऊं ईंट, मैं ले रहा। अगर रोकी और पीकू की लड़ाई होगी ना तो भाई ये यहाँ जितने भी आदमी खड़े हैं, जैसे कि ये भी भाई भी, इनकी हिम्मत नहीं होने की इनकी लड़ाई को छुड़वा भी दे, क्योंकि ये ना तो गोद में उठाए जाने के, बहुत सारे डॉग ऐसे हो गए कि उन्हें गोदी में उठा लो, पकड़ लो पिछला पैर, पकड़ लो ये, पकड़ लो जैसे तैसे करके छुटवा दे, बट भाई ना तो किसी की इतनी हिम्मत होने की कि इन्हें गोद में उठा ले, और मेरे अकेले पे तो ये छुटने के भी नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों इतने ज्यादा हैवी हो गए, एक को पीछे करूंगा तो दूसरा अटैक करेगा, दूसरे को करूंगा तो दूसरा करेगा। पीकू भाई दुश्मनों के लिए दुश्मन है, दोस्तों के लिए दोस्त है। ये भी अल्फा आ गया, और भाई अब अल्फा अपने यही रहेगा, अपने साथ ही रहेगा। ओए रुक जा भाई साहब, रुक जा भाई, पट्टे पर ग्रिप लगा रहा भाई, लगा कितनी तगड़ी ग्रिप है, दिखा अपनी ग्रिप के पावर। सामने से पापा भी आ गए, पापा क्यों इतने चौसे में, नाइस तो भाई पापा के लाड़ देख लो कितने करे अल्फा, ये लो सामने से डॉग दिख गया, बच के चला जा भाई तू। अल्फा को भाई थोड़ा बाइक के साथ भगाना शुरू करेंगे, मतलब बाइक के साथ इसकी हल्की हल्की रनिंग करवाओगे तो इसे आदत हो जाएगी बाइक के साथ भागने की भी। सामने भाई तीन डॉग दिख गए, तीन नहीं 4-5-6 पूरा गैंग है डॉग्स का, अल्लाह छोड़ दे ना तो भाग जाएगा उनके पीछे। अब भाई अल्फा यही रहेगा, खुला छोड़ दो इसे, और थोड़ी देर में खबीसी को भी लेके आ जाएंगे। अरे गल मैं चैलेंज करना है, कदू करोगे सुन कदू करोगे कर लेंगे क्या बजे
अरे बिना करते फिर करेंगे थम। गाइस पापा के साथ एक तगड़ा चैलेंज करेंगे, पापा और मैं अच्छा पहन के दोनों के दोनों नहर में आओगे। जा हिल ना देख अपना ऐसा लगा जो कर गोवा के। आप तू खेल ले गोवा पोवा, मुझे ना खेल। एल्बो सबसे पहले आ गया, लूसी से बर्फी से मिला। गाइस ये भी खबीज को लेके आ गया। ये देख लो, ये देख लो भाई, पंगा होना शुरू हो गया पहले। पापा वाले कमरे में बंद कर दूंगा। किसे? खबीसी को ऊपर रख। अब ये भी गड़बड़ होगी, पापा के पास पीकू रहा है तो पीकू के साथ ही अकेली छोड़ी नहीं जाने की, मतलब ये किसी के साथ भी अकेली नहीं छोड़ी जाने की। ये ना भाई थोड़ा अलग ही रहना पसंद करे, बिल्कुल अकेले। तो पूरा प्रॉपर सेटअप कर दिया। अबे ओ पागल, ओ पागल, ओ पागल। थोड़ी देर में शांति हो जाएगी, अपने आप सो जाएगी। आज के लोग यहीं पे एंड करते हैं। ये रहा भाई अल्फा, ये भाई बर्फी, ये भाई मूसी। ओए रुको गाइज, मैंने व्लॉग एंड कर दिया था, लेकिन उससे पहले मेरे को आप लोगों से बहुत सारी बात करनी है। गाइज जैसे कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तुमने सेंटा क्लॉज बना दिया, तुम ऐसे नहीं हो, तुमने ये गलत कर दिया। गाइज मैं तुम्हें एक बात बता दूँ भाई, मैं सबके धर्म का सम्मान करता हूँ, लेकिन अपने धर्म के लिए कट्टर हूँ, ये बात बिल्कुल सच है। बट भाई तुम यार ये बात समझो कि मैंने बस नॉर्मल यार थोड़ा मतलब फन के लिए इसलिए वो करा, मेरा कोई वो नहीं था। लेकिन भाई एक बात बताऊँ आप लोगों को, इंस्टाग्राम पर मैंने सेम इसके अपोजिट काम करा हुआ है, उस पर भाई कमेंट अच्छे भी आए और बुरे भी आए, इस पर भी अच्छे आए बुरे भी आए। तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि भाई अबे आदमी बीच में गिर गया। अबे भाई मैंने वैसे ही कर लिया था, नॉर्मल है। मैंने तुम्हें बताया भाई मैं सबके धर्म का सम्मान करता हूँ, लेकिन अपने धर्म के लिए कट्टर हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।